लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सानिया जैन आपके साथ। नाथूराम गौडसे को देशभक्त बताने पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भले ही संसद में माफी मांग ली हो, लेकिन प्रदेश में इसको लेकर राजनीति अभी भी थमी नहीं है। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा अपने समर्थकों के साथ बुधवार को किए जाने वाले प्रदर्शन से पहले भाजपा कार्यालय में गहमा गहमी का माहौल रहा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता महिला मोर्चा की कार्यकर्ता के साथ कार्यालय के बाहर डंडों के साथ तैनात रहे। वहीं इस गहमा गहमी के माहौल को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। ज्ञात हो कि कांग्रेसी गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता लाठी और डंडे के साथ मुस्तैद थे। दोनों तरफ के तीखे तेवर देखकर पुलिस प्रशासन की चिंता ये थी कि कहीं दोनों पक्ष टकरा ना जाए, मगर प्रशासन के निवेदन के बाद आरिफ मसूद ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उसे बीजेपी दफ्तर पहुंचाने की अपील कर अपना घेराव स्थगित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया, हमने कांग्रेस की अपनी संस्था का परिचय दिया। हम लोग अहिंसावादी थे, तिरंगा हाथ में लेकर अहिंसावादी रूप से चले। संख्या में उनकी संख्या और हमारी संख्या देखी जा सकती है, दोनों संख्या में विशेष अंतर था। हमारे साथ बेपनाह जनता थी, लेकिन क्योंकि हमारा मोटो सिर्फ इतना था कि हे राम भक्त कहने वाले गांधी को अंतिम वक्त जब गोली मारी गई थी तो उनकी जबान से हैराम निकला था। हम वो सवाल करने गए थे कि आज ये तय करे भारतीय जनता पार्टी कि वो हैराम वाले के साथ है या गोडसे के साथ, लेकिन बजाय उसके उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और हिंसा पर उतारू हो गए और कार्यालय के बाहर अलर्ट और पत्थर लेकर खड़े हो। तो उन्होंने अपनी संस्कृति दी, हमने अपनी संस्कृति का परिचय दिया, क्योंकि गांधीवादी तरीके से आंदोलन था वही समाप्त कर दिया। बीजेपी का बयान सामने आया कि हमारी सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ है, पुलिस पर्याप्त मात्रा में थी और मैं नहीं समझता कि कभी पुलिस प्रशासन के रहते हुए किसी ने भी आज तक ऐसा करा हो कि खुद लठ लेके खड़ा हो जाए। फिर ऐसे जनताओं के जो विवाद आम दिनों में होते हैं, लठ ले लेती है तो क्या सब कुछ छूटे? आपको ज्ञापन देने वाले थे वहां पोस्ट के बाद से पहले पुलिस ने रोका। होना ये चाहिए था कि उनका नेता को लेते तो लोकतंत्र का एक अच्छा मैसेज जाता, पूरे लोगों में एक मैसेज जाता, एक अच्छा मित्रता का एक वो संदेश जाता। जब हम अपनी जायज बात करने गए थे वो हमारी बात को ग्रहण करते, मानते नहीं मानते ये उनका सोच था। वही उनका कहना है कि अगर ज्ञापन देना था तो कलेक्टर को देते या मंत्री को देते या वहाँ बीजेपी कार्यालय आकर ज्ञापन देने की। उस वार्ड की पद यात्रा में वो वार्ड उसी मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का उस वार्ड में आता है और मुख्यालय प्रमुख से मांग करना मैं नहीं समझता कहीं गलत है। उन्हीं के तो सांसद है ना, उन्हीं की पार्टी की सदस्य है, अगर उसने गलत शब्द कहे तो उसकी मांग कर सकते हैं और लोकतंत्र में उनको बात सुनना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दिन ब दिन बयान देती हैं, आप उनके खिलाफ मतलब लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ा, क्या मानते हैं आप आज के? लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।